जीविका तो कोई भी व्यक्ति हो चाहिए उसे, बिल्कुल है ना। तो ये हम लोग चाह रहे थे कि भाई एक शहीद हुआ गांव का, ब्लॉक का, जिला का, तो फर्स्ट ये लोग डिमांड यही रखा था कि जो NH उतर रहा हमारे गांव से वहाँ एक स्मृति द्वार बन जाए, पहला मांग क्या यही मांग था। हाँ यही मांग था कि भाई एक उसका पहचान हो कि स्मृति द्वार बन जाए और उसका एक वहाँ स्टैचू लग जाए कि हाँ भाई ये गौतम का गांव है, लोग आए। अभी भी आप देखिएगा तो घूमने में रंडा डिक इधर है, पूछना पड़ता है, लेकिन एक स्मृति द्वार बन जाएगा तो उसका यादगार भी हो जाएगा और लोगों की इस गांव में आने के लिए भी सहूलियत होगी। ये पहला डिमांड इस परिवार की तरफ से ये हमें दिया गया। अच्छा अच्छा, जिला जिला के तरफ से कोई आया कि नहीं, DM साहब, SP साहब या कोई और? नहीं नहीं, SP साहब नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं, कोई नहीं आया। और उस दिन जिस दिन अति हुआ था आपका जहाँ बड़ी ले गए थे बड़ी, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से एक DSP आए थे, DSP आए थे और थाना प्रभारी लोग आया था, वीडियो थाना अभी इसके ऊपर के लोग अधिकारी नहीं आए। काफी गमगीन माहौल है, हालांकि चिराग पासवान जी आए तो कहीं ना कहीं एक दिलासा कहा जा सकता है, उम्मीद जगी कि चलिए हमारे परिवार को देख रेख करने वाला कोई तो आया। और घर का चिराग तो चला गया, लेकिन एक चिराग बन के आए हुए थे चिराग पासवान जी और एक उम्मीद की किरण। देखिए आप देख सकते हैं, एक प्रसन्नता का कहीं ना कहीं छोटी सी लहर कही जा सकती है, बड़ी लहर तो नंबर दे कर गए, नंबर दे के गए कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमें फ़ोन करें। तो एक विश्वास उन्होंने जगाया कि चलो एक भाई तुम्हारा चला गया तो कोई बात नहीं है, हम भाई बन के रहेंगे। और चिराग पासवान ऐसे तो पुकार तमाम लोगों की थी कि बहुत सारे लोग आते, लेकिन चिराग पासवान ने इनकी बात सुनी और यहाँ आए भी। आप देखिए जिस तरह मैं आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं, तमाम उनके साथ जितने भी उनके समर्थक थे सब लोग आया। और रक्षाबंधन नज़दीक आने वाला है, बहन तो कहीं ना कहीं बहन को तो जो पहुँचा है वो तो यही ये दुख को झेल सकती है। बहुत बड़ा कष्ट और बहुत बड़ा एक धरोहर, एक भाई जिस पर तमाम उम्मीदें टिकी हुई थी वो चला गया, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहना, कोई शब्द नहीं, नहीं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे बस इतना। आप लोग से कल आने के लिए बोला था, अब है ही नहीं तो क्या बोले, इसमें अब कल आएगा ही नहीं। अब रक्षाबंधन है इसलिए आज से रक्षाबंधन है, अब आएगा ही नहीं तो क्या। आप देखिए सही, कल आने के लिए बोला था भाई, लेकिन अब कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं दर्द है और बहुत बड़ा दर्द है और जिसको क्या कहा जाए, बहुत समझना एकदम समझा नहीं जा सकता है। एक बहन की फीलिंग बहन नहीं समझ सकती है और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, हालांकि चिराग पासवान के आने के बाद थोड़ी सी आप देख सकते हैं थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन कहाँ से ठीक हो सकता है, वो कमी वो भरपाई कोई कैसे कर सकता है, क्या क्या कहीं ना। देखिए क्या है ना कि इस दुख की घड़ी में अगर कोई भी राजनेता या कोई सरकारी पदाधिकारी आता है तो एक तो किसी फैमिली को किसी दुख में कोई संतावना देता है, भले वो उसको लाएगा नहीं तो कुछ तो संतोष उम्मीद है, हाँ संतोष रहता है। सरकार की तरफ से कोई आपको लाभ या कुछ भी ऐसा कुछ कोई लाभ नहीं, कोई आश्वासन भी नहीं, कोई लेटर भी नहीं। पर ये भैया आए मम्मी को साथ कुछ लिफाफा में देकर भी गए और यहाँ पे जब तक अभी नेता लोग जितना है वो लोग कुछ नहीं, बस झूठा वादा करके गया संतावना देकर, बस झूठे वादे, वही वही कहानी जो हमेशा होते रहता है कि हम ये कर देंगे। नहीं नहीं हुआ है तो झूठा ही ना, नहीं झूठा वादा मत कहिए, झूठा वादा वादा झूठा नहीं है सर। कम समय है, यहाँ राजकुमार सिंह आरके सिंह MP आए थे, उन्होंने बुलाया कि गौतम सिंह मेरे गौतम साहब के नाम से शहीद हुए उनके नाम से एक लाइब्रेरी बनाएगी, फंड देंगे। तो अभी हम ठीक है, लेकिन हम आपकी बात को समझ रहे, ज्यादा समय नहीं हुआ, वाहन का भी कहना सही है, इस तरह बहुत सारे वादे होते रहते हैं, ये बात तत्काल जो मिल जाता है, लेकिन मेरा की अभी है समय जी,
जो लोग वादा किया है, यार देखना है अभी टाइम बहुत है, देखना है आगे क्या होता है, लेकिन समय नहीं है अभी। झूठा वादा का पहाड़ गिरा हुआ है रंडाडीह में, और मैं आपको बता दूं कि रंडाडीह के परिजनों से, जो गौतम पासवान है जो शहीद हुए हैं, उनके परिजनों से मिलने अभी चिराग पासवान आए थे, पूरे दलबल के साथ आए थे, उनके जितने समर्थक आए थे वो तमाम लोगों ने मिला, और एक बहन को फिर से एक उम्मीद की किरण जगी, कुछ सहयोग राशि भी शायद दिए हैं, और भी बहुत कुछ उन्होंने आश्वासन किया है, नंबर भी दिए हैं किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, हालांकि अभी वो तो सत्ता में है नहीं कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी वो तमाम लोग कहाँ सोए हैं, वो तो आए ही नहीं, उनके अधिकारी भी नहीं आए, दुर्भाग्य है इसका। तो कहीं ना कहीं देखना चाहिए, चूंकि वो कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं थी, कहीं ना कहीं यदि गौतम पासवान शहीद हुए हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए शहीद हुए हैं, तो तमाम जितने भी लोग बिहार के जो सक्षम पदाधिकारी हैं या जो भी नेता हैं, उन लोगों को आना चाहिए और इनके परिजनों से मिलना चाहिए, और इनके इन लोगों के लिए क्या हो सके उसका निर्माण करना चाहिए। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे कैमरा पर्सन।